तो मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आउट हो चुका है। मैंने टर्म वन का रिजल्ट आप सबको नहीं बताया था क्योंकि क्योंकि मैंने सोचा कि आपको एक साथ ही दोनों रिजल्ट बता दूंगी जो फाइनल रिजल्ट आएगा 10th क्लास का, बिकॉज टर्म वन का रिजल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं आया था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एडमिट कार्ड यहाँ पे ले लिया है, मे बी आपको इन्वर्टेड दिख रहा होगा बट नो इश्यूज, बिकॉज आपको एडमिट कार्ड नहीं दिखा सकती वैसे भी। तो मैंने ओके तो मैंने अपने मम्मा का फ़ोन ले लिया यहाँ पर, बिकॉज मैं एक्चुअली अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ तो मम्मा का फ़ोन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड गाइस रिकॉर्डिंग कहाँ से होता है इसमें? ओके मुझे मिल गया, रिकॉर्डिंग का मिल गया, रिकॉर्ड ऑडियो शो टच ऑन स्क्रीन नहीं सिर्फ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है जो CBSE का वेबसाइट है। बेसिकली मैंने CBSE की वेबसाइट से ही चेक करा है, ऑफकोर्स उसी से चेक करेंगे सब ना, तो बस फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूँगी तो चेक कर लेना वहाँ से। एंड यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करा है, एंड यू जस्ट हैव टू फिल डिटेल्स। इस बार CBSE ने वो अच्छा काम करा है, उन्होंने 3 लिंक दिए चेक करने के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। उन्होंने बेसिकली 3 लिंक दिए चेक करने के लिए, क्लास 10th रिजल्ट यू हैव अ 3 लिंक्स टू चेक इट। 3 लिंक में से कोई ना कोई एक लिंक तो खुल जाएगा बेसिकली। क्या बोल रही हूँ पता नहीं मैं। तो फर्स्ट लिंक मैंने ओपन कर लिया, आई हैव टू फिल माय डिटेल्स हियर, तो मैं डिटेल्स आपको नहीं बता सकती बेसिकली, मैं यहाँ पर सारे डिटेल्स भर के दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको अपने सारे डिटेल्स नहीं बता सकती गाइस, सॉरी फॉर दैट थिंग। तो मैं अपने यहाँ पे सारी डिटेल्स भरती हूँ, फिर आप सबको दिखा दूँगी सीधा रिजल्ट। ठीक है, मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं है तो मुझे एडमिट कार्ड देखना पड़ेगा। एंड एक्चुअली आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने रिजल्ट ऑलरेडी चेक कर लिया है गाइस। तो मैं जब रिजल्ट चेक किया तो मैंने आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं रोने लग गई थी। जब वाई आई एम जस्ट क्राइंग वो आपको पता चल जाएगा, पर मैं रोने लग गई थी गाइस रिजल्ट को देख कर। तो मैं आपको बाद में आप देख लेना तब पता चलेगा एक्चुअली क्यों मैं रो रही थी। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ ओके भाई एरर, इनके सर्वर में एरर हो गया, मतलब मैंने रिजल्ट ऑलरेडी चेक कर लिया है बट इनके सर्वर में अब एरर हो गया। चलो कोई बात नहीं, आई हैव अ सेकंड लिंक टू, तो अब उससे चेक कर लेते हैं, नो वरीज। क्योंकि इनके पास 3 लिंक तभी तो दिए ना, क्योंकि इनके उसमें एरर होता रहता है बेसिकली, तो नो वरीज, थिंग्स आर सेम। ओके गाइस, तो मेरा रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, पर मैं आपके लिए वापस रिजल्ट देख रही हूँ। और मैं तुमको बता रही हूँ ऑनेस्टली रोने लग गई थी, एंड रिजल्ट मैं ये सारा रिजल्ट है मेरा, मतलब हिंदी में मेरे थ्योरी में 75 मार्क्स आए हैं, एंड प्रैक्टिकल में मुझे पूरे मिले 20, एंड 95 टोटल हैं, एंड इसमें A1 ग्रेड मिला है। एंड इंग्लिश में मुझे 65 मिले हैं, एंड 20 प्रैक्टिकल मिले हैं, 85 मुझे इंग्लिश मिले हैं, 85 से कम मुझे इंग्लिश में ही मिले हैं। आई डोंट नो इंग्लिश में इतने कम क्यों मिला है, जबकि मेरा इंग्लिश का सबसे मस्त गया था, एंड सबसे अच्छा आया था टर्म वन में भी, एंड टर्म टू में मेरे मस्त गया था, पता नहीं क्या होगा इंग्लिश को। मैथमेटिक्स में 67 आए हैं, एंड प्रैक्टिकल में फिर से फुल है, एंड 87 टोटल है, एंड A2 ग्रेड है मेरा बेसिकली, सिर्फ B1 ग्रेड मेरा इंग्लिश में ही आया है, बट दैट्स नॉट वरी। साइंस में 72 आए हैं, एंड 20 प्रैक्टिकल में मिले हैं, 92 मिले हैं साइंस में मेरे लाइक हाईएस्ट नंबर है, A2 ग्रेड है। एंड सोशल साइंस में 71 मार्क्स आए हैं, एंड प्रैक्टिकल में फुल मिले हैं, एंड 91 आए सोशल वन में, सोशल साइंस में 91 है, एंड A2 ग्रेड है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरे 49 मार्क्स आए हैं, 49 बेसिकली आउट ऑफ 50 मेरे अकॉर्डिंग, हाँ आउट ऑफ 50 मेरे 49 का मार्क्स आए हैं गाइस, एंड 50 प्रैक्टिकल में, 99 मेरे इन्फो में आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लाइक IT में, मतलब एडिशनल मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, A1 मिला है 99 आए हैं और A1 ग्रेड है। एंड संस्कृत में 66 मार्क्स हैं,
थ्योरी में एंड 20 आए हैं प्रैक्टिकल में, 86 हैं टोटल कर एंड ए टू ग्रेड है, तो सिर्फ बी वन मेरे इंग्लिश में आए हैं। इंग्लिश में पता नहीं क्यों इतने कम रह गए, आई रियली डोंट नो द फैक्ट, बट ओके। तो दैट वाज माय रिजल्ट एंड एक बार मैं आपको टोटल करके दिखा देती हूँ, परसेंटेज निकाल के बेसिकली परसेंटेज। ओके, मुझे अपने मार्क्स याद है 95, 85। एक स्क्रीन शॉट चलो, मैं आपको परसेंटेज निकाल के दिखा देती हूँ, तुमको बिलीव कहाँ होगा मेरी बात पे ना। सब कट नहीं रहा, ओके ठीक है। तो मेरे इंग्लिश 95 आए हैं बेसिकली हिंदी में, और उसके बाद 91 आए हैं इसमें, 91 साइंस, 91 SST में, 92 मेरे SST में आए हैं, नहीं 91 मेरे SST में आए हैं, 92 मेरे साइंस में आए हैं एंड 87 मेरे आई थिंक मैथ्स में आए हैं और 85 मेरे इंग्लिश में आए हैं। तो 450 टोटल करके आ रहा है, 450। तुमको ऐसा दिख रहा है ना इन्वर्टेड, बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ, दैट्स यू। एंड 500 से मैं इसको कर देती हूँ फटाफट डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, सो 90% इज ओवरऑल रिजल्ट ऑफ माइन। एंड मैं इसको देख के रोने लग गई थी, पता नहीं क्यों, मतलब इसको देख के मैं रोने क्यों लग गई थी, बिकॉज एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था मेरे 85 नंबर आएंगे, या फिर मुझे एक्सपेक्टेड था कि 85 नहीं आएंगे तो मेरे 98 आने चाहिए, मतलब कि पता नहीं मैं क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, लाइक या तो मेरे 85 आने चाहिए थे या तो मेरे 95% आने चाहिए थे, तो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ मुझे एक्सपेक्टेड था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप अपना रिजल्ट बताओ मुझे कमेंट करके, एंड 10th ग्रेड इज़ ओवर नाउ फॉर मी, बाय बाय।